गुड मॉर्निंग एवरी वन, आई दीप्ति महिंद्रा, वेलकम टू योर महिंद्राज यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। गाइज, आज का सेशन आपका स्टार्ट हो चुका है और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे आपके सिलॉग्स और इनइक्वालिटी। जैसे कि अभी आपका 5वां पेपर हुआ है IBPS क्लर्क का, तो उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो सिलॉग्स और इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। आपकी हर एक शिफ्ट में अगर हम यहाँ पर बात करें, अराउंड 3 से 4 क्वेश्चन बन रहे हैं आपके सिलॉग्स के और 3 से 4 क्वेश्चन बन रहे हैं आपके इनइक्वालिटी के। तो देखिए, यहाँ पर आपका जो वेटेज है वो कितना बन रहा है, आपका टोटल 7 to 8 क्वेश्चंस का वेटेज बन रहा है। तो कहीं ना कहीं आपका टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ज़्यादा टाइम टेकिंग भी नहीं है। अगर हम यहाँ पर बात करें, ये टॉपिक आपका ज़्यादा टाइम टेकिंग भी नहीं है। अगर हम यहाँ पर बात करें, विद इन 2 or 3 मिनट्स में आप अपने 7 or 8 क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका, ये आपका स्कोरिंग टॉपिक है आपका रीजनिंग में। तो सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट भी है कि अगर आपके पेपर में सिलॉग्स और इक्वालिटी है तो उसे सबसे पहले अटैम्प्ट करिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपका टाइम भी सेव होगा और क्वेश्चन भी आपके ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएंगे। तो ये आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, सभी लोग सेशन में कनेक्ट हो जाइए जल्दी से गाइज। और आज के सेशन में हम यहाँ पर अगर बात करें तो टेलीग्राम चैनल का नाम यहाँ पर गिवन है, रीजनिंग महिंद्रा लाइव के नाम से यहाँ पर हमारा टेलीग्राम चैनल है। सभी लोग उसमें ज्वाइन कर सकते हैं और हमारा जो डिस्कशन है आज का वो किससे रिलेटेड है, आपका क्या कहते हैं IBPS क्लर्क एग्जामिनेशन से रिलेटेड है। अब अगर हम यहाँ पर बात करें, देखिए यहाँ पर कोड लिखा हुआ है, वर्क हार्ड, ड्रीम बिग एंड नेवर गिव अप। तो कभी भी आपको गिव अप नहीं करना है, मेहनत करते जाना है और इसी से हम अपने क्वेश्चंस की शुरुआत करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, सिलॉग्स का क्वेश्चन है, सिंपल है, सिर्फ आपको ओनली ऑफ यू की कंडीशन यहाँ पर पता होनी ज़रूरी है और मैंने आपको ऑलरेडी बताई हुई है ओनली ऑफ यू की कंडीशन क्या है। ओनली ऑफ यू की कंडीशन है आपकी दो कंडीशंस को, स्टेटमेंट को मिला के बनी है, एक तो सम को मिला के बनी है और एक आपकी सम नॉट को मिलाकर बनी है। तो यहाँ पर भी अगर हम बात करें, कुछ वाटर क्या है, आपका स्काई है। सभी लोग इस क्वेश्चन को जल्दी से ट्राई करके आंसर बताएं, कुछ वाटर क्या है आपका, यहाँ पर स्काई है। तो वाटर का स्काई के साथ आपने रिलेशन बना दिया। उसके बाद कुछ वाटर का पार्ट यहाँ पर स्काई नहीं होगा क्योंकि आपके क्वेश्चन में सम नॉट भी आ रहा है, तो इसका मतलब है कुछ वाटर का पार्ट आपका स्काई नहीं होगा, ये पॉइंट ध्यान में रखेंगे। अब ओनली स्काई आर ओशन, इसे इसको क्या करना है, देखो आप सभी को पता है कि ओनली हमने डिस्कस किया था पिछली क्लास में, ओनली आपका ऑल में कन्वर्ट हो जाता है और एलिमेंट क्या हो जाते हैं आपके, इंटरचेंज। एलिमेंट क्या होंगे आपके, इंटरचेंज। किस तरीके से कंडीशन बनेगी, सभी ओशियन क्या है आपके, सी है। सभी ओशियन क्या है आपके, सी स्काई है। तो इस तरीके से यहाँ पर आपकी कंडीशन बन जाएगी। अगर सभी ओशियन आपके स्काई हैं तो देखिए ओशियन किस में आ जाएंगे, आपके स्काई में आ जाएंगे। देखो सारा ओशियन का पार्ट क्या हो गया, आपका स्काई हो गया। एक पॉइंट और ध्यान रखना है ओनली वाली कंडीशन में, जो ओशियन का रिलेशन है ठीक है स्काई के साथ, वो केवल आपका स्काई के साथ ही ओशन का रिलेशन होगा, इसके अलावा स्काई का, ओशन का रिलेशन किसी और के साथ नहीं बनेगा। बस ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ओशन का रिलेशन सिर्फ स्काई के साथ होगा और इसके अलावा किसी और के साथ नहीं होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद कुछ स्काई क्या है आपकी, सी है। कुछ स्काई सी है, तो देखो स्काई के साथ मैंने क्या बना दिया, सी को बना दिया, कुछ पार्ट आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर क्लियरली। अब पहले कंक्लूजन की बात करें, देखो क्या बात आ गई यहाँ पर, ऑल ओशियन इज आर स्काई इज अ पॉसिबिलिटी। देखो ओशियन की अगर हम बात करें, सारा ओशियन आपका स्काई है, और अगर ये चीज़ आपकी डेफिनेटली ट्रू है और क्वेश्चन में इसकी पॉसिबिलिटी पूछी गई है, वो हमेशा क्या होगी आपकी, डेफिनेटली फॉल्स होगी। तो फर्स्ट वाला आपका क्या हो जाएगा, डेफिनेटली फॉल्स यहाँ पर आंसर हो जाएगा। आगे कुछ वाटर आपके सी हैं, कुछ वाटर आपके सी हैं, देखो डायरेक्टली तो नहीं दिखाई दे रहे हैं, डायरेक्टली तो नहीं दिखाई दे रहे हैं। अगर मैं वेन डायग्राम थोड़ा इस तरीके से बना देती तो कुछ वाटर क्या हो जाता आपका, सी हो जाता। तो क्वेश्चन में इसकी पॉसिबिलिटी पूछी गई है तो यहाँ पर आंसर क्या कर देंगे, डेफिनेटली ट्रू, क्योंकि यहाँ तक अगर आप देखो तो कुछ वाटर सी आपका यहाँ पर विजिबल नहीं हो रहा है ठीक है, बट यहाँ पर शो नहीं हो रहा है तो इसमें उसकी पॉसिबिलिटी पूछी गई है। तो मैंने डायग्राम को थोड़ा सा अगर एक्सटेंड किया होता तो आपकी कंडीशन क्या हो जाती, डेफिनेटली ट्रू हो जाती। नेक्स्ट देखो, नो ओशन आर सी, कोई भी ओशन आपका सी नहीं है, तो देखो ओशन का रिलेशन आपका केवल स्काई के साथ होगा और किसी के साथ नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या बोला गया कि ओशन और सी में कोई भी रिलेशन नहीं है, कंडीशन क्या हो जाएगी आपकी, डेफिनेटली ट्रू हो जाएगी। तो इसका मतलब है यहाँ पर आंसर क्या होगा, सेकेंड और थर्ड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी विल बी दी राइट आंसर। जितने लोगों ने भी डी आंसर किया है सभी लोगों का करेक्ट है यहाँ पर ठीक है, सारी चीज़ों को समझ के चलना है आपको। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, सभी लोग अगला क्वेश्चन अटेम्प्ट करिएगा जल्दी से ठीक है, और आंसर बताइएगा जितने भी लोग यहाँ पे प्रेजेंट हैं।
आपसे बोला गया है कुछ एलिमेंट्स क्या है आपके कैश्यूज हैं, ओनली अ फ्यू वर्ड यूज हो गया है, हमेशा ध्यान रखिएगा ओनली अ फ्यू मतलब आपका कुछ पार्ट होगा एलिमेंट्स का, ठीक है, कुछ पार्ट आपका एलिमेंट्स का कैश्यूज नहीं होगा, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। इसके बाद देखो कुछ पार्ट तो मैंने बना दिया, पर कुछ कार्ड को इस तरीके से इंडिकेट आप करेंगे क्वेश्चन में। उसके बाद कोई भी एप्रिकॉट आपका वॉलनट नहीं है, इसको भी बाद में अरेंज करेंगे, पहले इसको अरेंज करते हैं कि ओनली अ फ्यू कैश्यूज आर वॉलनट। तो यहाँ पर आपसे क्या बोला गया, कुछ कुछ तो कैश्यूज आपका वॉलनट होगा क्योंकि ओनली अ फ्यू वर्ड यूज हुआ है, तो कुछ तो आपका वॉलनट क्या होगा, कैश्यूज होगा, पुट कुछ आपका यहाँ पर नहीं होगा, तो यहाँ पर मैंने इसे इस तरीके से क्रॉस करके रिप्रेजेंट कर दिया है। आगे एप्रिकॉट और वॉलनट के बीच में भाई कैसा रिलेशन है, एप्रिकॉट और वॉलनट के बीच में यहाँ पर नो का रिलेशन है, तो एक एप्रिकॉट को हमने यहाँ पर बना दिया और ये आपका वेन डायग्राम बन जाएगा। अब अगर हम बात करें आपसे क्या पूछा गया क्वेश्चन में, क्या सारे कैश्यूज आपके वॉलनट हो सकते हैं, तो देखिए कभी भी सारा कैश्यूज का हिस्सा आपका वॉलनट में नहीं जा सकता क्योंकि कुछ पार्ट आपका कैश्यूज का कभी भी डेफिनेटली वॉलनट नहीं होगा। तो अगर कुछ पार्ट आपका कैश्यूज का वॉलनट नहीं होगा, ये कंडीशन क्या हो जाएगी आपके यहाँ पर, डेफिनेटली फॉल्स हो जाएगी, 100% रॉन्ग होगी, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कुछ कैश्यूज आपके एलिमेंट हैं, तो देखो डेफिनेटली यहाँ पर आपको पता चल रहा है कि कुछ पार्ट है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, डेफिनेटली ट्रू हो जाएगा। इसमें हमने इसलिए गलत बोला है क्योंकि सारा हिस्सा कभी भी आपका वॉलेट में नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता सारा हिस्सा, क्योंकि कुछ पार्ट आपका कैश्यूज का कभी भी वॉलेट नहीं हो सकता है, इसलिए इसको हमने डेफिनेटली फॉल्स किया है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। जितने लोगों ने यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी किया है, सभी लोगों का यहाँ पर करेक्ट है, देखिए, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, अगला क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर कुछ नए वर्ड्स आपके यूज हो रहे हैं, सभी लोग ध्यान से देखिएगा। अब क्या बोला गया, कुछ कार्ड क्या है आपकी, स्ट्रिप है, ओके, कुछ कार्ड आपकी स्ट्रिप है, हमने अरेंज कर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर बात करें ईच स्ट्रिप, सारी स्ट्रिप क्या है आपकी, बॉटल है। ईच वर्ड अगर आपके क्वेश्चन में आ जाए तो उसे किस पे कंसीडर करते हैं, ऑल में। ऑल में ऑल का अगर कभी भी ऐसे वर्ड्स आ रहे हैं आपके, ईच एवरी जैसे वर्ड अगर आपके क्वेश्चन में आ रहे हैं, 100% अगर कभी आ रहा है, तो वो किस में कंसीडर होते हैं आपके, ऑल में कंसीडर होते हैं। सभी लोग इस चीज को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो सारा स्ट्रिप क्या है आपका, बॉटल है, तो इस तरीके से हम बना देंगे। उसके बाद कुछ कार्ड क्या है आपके, मार्क है, कुछ कार्ड क्या है आपके, मार्क है, तो यहाँ पर मैंने इसको अरेंज कर दिया। तो ये तो बन गया आपका वेन डायग्राम। अब देखो आपसे क्या पूछा गया है, क्या सारा मार्क आपका कार्ड हो सकता है, क्या सारा मार्क आपका कार्ड हो सकता है, तो देखो कुछ मार्क हमें कार्ड तो पता है, कुछ तो डेफिनेटली है, बट ये वाला पार्ट है इसके बारे में मेरे को कोई जानकारी नहीं है। तो कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूँ ये कैसा पार्ट है आपका, पॉसिबल पार्ट, और आपके क्वेश्चन में क्या पूछी गई है, पॉसिबिलिटी। अगर मैं इसको इसके अंदर बना देती हूँ, सपोज करो पूरे मार्क को कार्ड के अंदर बना देती हूँ, तो कहीं ना कहीं उसकी पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी आपकी, करेक्ट हो जाएगी। क्यों, क्योंकि इसमें भी आपका सारा मार्क क्या है, कार्ड है, और अगर सारा मार्क कार्ड है तो कुछ क्या कहते हैं यहाँ पर, कुछ कार्ड भी क्या होगा आपका, मार्क होगा, कुछ कार्ड भी क्या होगा आपका यहाँ पर, मार्क होगा, तो सारा मार्क आपका कार्ड हो सकता है। ये वाली कंडीशन इसमें क्या हो रही है, सही हो रही है, ठीक है। तो इसीलिए अगर हम बात करें ये पॉसिबिलिटी क्या हो गई आपकी, डेफिनेटली ट्रू हो गई है। अब देखो कुछ बॉटल आपकी स्ट्रिप है, तो बॉटल अगर हम यहाँ पर बात करें, कुछ पार्ट बॉटल का आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है कि स्ट्रिप है, आंसर क्या हो जाएगा आपका, डेफिनेटली ट्रू। आंसर यहाँ पर क्या बनेगा आपका, डेफिनेटली ट्रू बनेगा, और जितने लोगों ने भी यहाँ पर आंसर डेफिनेटली ट्रू किया दोनों का, उन सभी का करेक्ट है। तो बोथ कंक्लूजन वन एंड सेकेंड फॉलो, ठीक है। तो यहाँ पर गाइज अ फ्यू वर्ड आ जाता है, वो मैंने आपको ऑलरेडी पहले बता चुकी हूँ ये बात, अगर कभी भी आपकी सम की बात हो रही होती है और अ फ्यू जैसे वर्ड या फिर फ्यू जैसे वर्ड आपके आ रहे हैं, ठीक है, जनरली जैसा वर्ड अगर आपके यूज हो रहे हैं, या फिर आपका फ्रीक्वेंटली जैसे वर्ड अगर आपके यहाँ पे यूज हो रहे हैं कभी भी, तो वो किस में कंसीडर होते हैं, सम में। 1 to 99% की अगर बात हो रही है तब भी वो किस में कंसीडर होंगे आपके, सम में कंसीडर होंगे। इसके बाद वेरी फ्यू भी मैंने आपको एक वर्ड बताया था, अगर वेरी फ्यू आ जाता है वो भी किस में कंसीडर होता है आपका, सम में ही कंसीडर होता है, बस ध्यान रखिएगा इन सारे पॉइंट्स का, ठीक है। अगला पॉइंट आपसे क्या बोला गया, ईच बेड इज शीट, हर एक बेड क्या है आपका, शीट है, ओके। सारा बेड क्या हो गया आपका, अभी मैंने बताया ईच किस में कंसीडर होगा, ऑल में,
ठीक है, सारा बेड क्या हो जाएगा आपका, शीट हो जाएगा। इसके बाद सारा पिलो क्या होगा आपका, शीट, सारा पिलो शीट। तो पिलो को किस पे बना दिया आपने, शीट में बना दिया। उसके बाद कोई भी शीट आपकी ब्लैंकेट नहीं है, कोई भी शीट आपकी यहाँ पर ब्लैंकेट नहीं है, तो शीट और ब्लैंकेट में कैसा रिलेशन होगा आपका, नो का रिलेशन होगा। अब अगर हम यहाँ पर बात करें गाइस, सिंपल सा पॉइंट है, पहला कंक्लूजन क्या दिया है, पहला कंक्लूजन आपको दिया है कोई भी बेड आपका ब्लैंकेट नहीं है। अब ध्यान से देखो, ब्लैंकेट और बेड के बीच में कैसा रिलेशन है, देखो ध्यान से अगर आप देख रहे हो तो ब्लैंकेट और शीट के बीच में देखो कैसा रिलेशन है, ब्लैंकेट और शीट के बीच में नो का रिलेशन है। कैसा रिलेशन है, नो का रिलेशन है। और अगर इन दोनों के बीच में भाई नो का रिलेशन है, तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, बेड किसके अंदर आ रहा है आपका, शीट के अंदर आ रहा है। जब सारा ही शीट आपका बेड ब्लैंकेट नहीं है, सारा ही शीट आपका ब्लैंकेट नहीं है, तो सारा ही बेड आपका ब्लैंकेट नहीं होगा, क्योंकि इसका शीट और ब्लैंकेट के बीच में कैसा रिलेशन है, नो। तो बेड और ब्लैंकेट के बीच में भी कैसा रिलेशन होगा आपका, नो ही रिलेशन होगा, ठीक है, क्योंकि सारा बेड आपका किस में आएगा, शीट में आएगा। इसलिए ये वाली कंडीशन अगर हम यहाँ पर बात करें, डेफिनेटली ट्रू हो जाएगी, 100% करेक्ट हो जाएगी। आगे देखो, कुछ बेड आपका पिलो है, कुछ बेड आपका पिलो है, तो यहाँ पर देखो डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, हमें डायरेक्ट रिलेशन सम का नहीं दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर डायरेक्ट रिलेशन आपको नहीं दिखाई देता है, तो वहाँ पर आप डेफिनेटली फॉल्स नहीं, CND बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कैन नॉट बी डिटरमाइन, हम डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या बनेगा आपका, ऑप्शन नंबर 1। देखो ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। और जितने लोगों ने भी 1 आंसर किया है, सभी लोगों का यहाँ पर करेक्ट होगा। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पर अगर हम बात करें, कभी भी ईच और एवरी वर्ड आ रहा है तो उसे ऑल में ही कंसीडर आपको करना है, बस इस चीज़ का ध्यान रखना है, अदरवाइज आप इजली इस क्वेश्चन को इजली अटेम्प्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, और अगला क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली आपके मेंस के पेपर के लिए। यहाँ पर देखो क्या दे रखा है, क्वेश्चन को समझते हैं पहले। स्टडी दी फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एंड आंसर द क्वेश्चन बिलो, विच ऑफ द कंक्लूजन डेफिनेटली डज नॉट फॉलो, ठीक है, ऑल्सो नॉट अ पॉसिबिलिटी ऑफ अकरेंस, ठीक है। तो इसका मतलब है आपकी पॉसिबिलिटी भी नहीं होनी चाहिए, मतलब यहाँ पर डेफिनेटली फॉल्स का मतलब है कि आपको जो 100% गलत होगा, जो आपका 100% रॉन्ग होगा, वही आपका क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, और पॉसिबिलिटी भी यहाँ पर कंसीडर नहीं होगी, पॉसिबिलिटी भी यहाँ पर कंसीडर नहीं होगी आपके आंसर में, आपका डेफिनेटली फॉल्स होना चाहिए, 100% रॉन्ग होना चाहिए आपका कंक्लूजन, और जो भी आपका 100% कंक्लूजन रॉन्ग है, वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आपके क्वेश्चन किस तरीके से गिवन होंगे, स्टेटमेंट गिवन होंगे, और कंक्लूजन में क्या होंगे आपके, ऑप्शन होंगे, 5 ही ऑप्शन है, ये क्या है, 5 आपके ऑप्शन है, इसमें से जो भी आपका डेफिनेटली फॉल्स हो जाएगा, वही ऑप्शन A B C D क्या हो जाएंगे आपके, करेक्ट हो जाएंगे। ये कंक्लूजन है और ये इसके यहाँ पर 5 ऑप्शन है, बस ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब देखो कुछ लीव्स क्या है आपके, रूट्स हैं, ओके वेरी गुड, कुछ लीव्स अगर रूट्स हैं तो हमने यहाँ पर बना दिया है। इसके बाद आपसे क्या बोला गया है, कुछ रूट्स आपके ब्रांचेस हैं, ओनली अ फ्यू आ गया है, ओनली अ फ्यू अगर आ रहा है, तो रूट्स और ब्रांचेस के बीच में भाई कैसा रिलेशन होगा, रूट्स और ब्रांचेस के बीच में सम का रिलेशन होगा, और कुछ पार्ट रूट्स का आपका ब्रांचेस नहीं होगा, कुछ पार्ट रूट्स का आपका ब्रांचेस नहीं होगा, ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है। आगे बोला गया है कुछ लीव्स आपके ट्री नहीं है, कुछ लीव्स आपके क्वेश्चन में ट्री नहीं है, तो देखो लीव्स यहाँ पर है और ट्री आपका यहाँ पर नहीं है, तो कुछ पार्ट लीव्स का कभी भी ट्री नहीं आएगा। तो देखिए इस तरीके से मैंने क्या कर दिया है, ये कुछ पार्ट बना दिया और इसमें बता दिया कि ये कभी भी आपका ट्री के अंदर नहीं आएगा, ये यहाँ पर आपका वेन डायग्राम बन गया। वेन डायग्राम तो सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब देखो कंक्लूजन की बात कर रहे हैं, कंक्लूजन को देखो ध्यान से, कुछ ट्री ब्रांचेस हैं, देखो ट्री और ब्रांच के बीच में सम का कोई भी डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, तो आप इसे डेफिनेटली फॉल्स तो नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, CND बोलेंगे, डिटरमाइन नहीं कर सकते। इसके बाद कुछ लीव्स आपका रूट है, तो देखो लीव्स और रूट के बारे में अगर हम बात करें, कुछ पार्ट आपको दिखाई दे रहा है लीव्स का रूट, ये कंडीशन क्या हो गई, 100% ट्रू हो गई। इसके बाद कुछ रूट्स आपके ब्रांचेस नहीं है, तो देखो कुछ रूट्स का पार्ट आपका कभी भी ब्रांचेस में नहीं जाएगा, ये भी कंडीशन क्या हो गई आपकी, डेफिनेटली ट्रू हो गई, ये भी 100% ट्रू हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद सारे लीव क्या है आपके, ब्रांचेस हैं, सारे लीव आपके ब्रांचेस हैं, तो देखो अगर यहाँ पर बात करें, लीव्स और ब्रांचेस के बीच में कोई भी ऑल का रिलेशन नहीं है, ठीक है, सारे लीव्स आपको ब्रांचेस नहीं दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन आपको ऑल को नहीं दे रखा है, डायरेक्ट रिलेशन ऑल का नहीं दे रखा है, तो डेफिनेटली ट्रू तो बोलोगे नहीं आप, अब डेफिनेटली फॉल्स भी नहीं बोलोगे, क्योंकि कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, तो उसकी पॉसिबिलिटी वहाँ पर हो सकती है। अगर किन्हीं दो चीज़ों के बीच में डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता है, तो वहाँ पर आप क्या बोलते हैं,
पॉसिबिलिटी का यूज करते हैं, अगर वो पॉसिबिलिटी में चीज दे रखी है तो आंसर करेक्ट हो सकता है। तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी आपको नहीं पूछी, डेफिनेट कंडीशन पूछी गई है। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, सी एंड डी हम डिटरमाइन ही नहीं कर पा रहे हैं कि सारा लीफ ब्रांचेस है या फिर नहीं है, क्योंकि हमें कुछ भी इनके बीच में ऐसा कोई डायरेक्ट रिलेशन ऑल का नहीं दे रखा है, इसलिए इसे हमने डेफिनेटली फॉल्स भी नहीं बोला है। इसके बाद सिंपल सी बात है, ऑल रूट कैन बी ब्रांचेस, क्या सारे रूट ब्रांचेस हो सकते हैं? तो कभी भी सारा रूट आपका ब्रांच में नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि ये वाला पार्ट कभी भी आपका रूट का ब्रांच में नहीं जाएगा, क्योंकि आपका ओनली अ फ्यू वाली कंडीशन थी। तो ये क्या हो गया आपका डेफिनेटली फॉल्स, और आपको क्या बताना है, डेफिनेटली फॉल्स। इसलिए ऑप्शन नंबर ई यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन आपके बनते हैं वो आपके मेन्स के पेपर में बनते हैं, वहाँ पर आपको हर एक कंक्लूजन को ध्यान से चेक करना पड़ेगा, और जो भी कंक्लूजन डेफिनेटली फॉल्स हो रहा है वो करेक्ट हो जाएगा। कई बार डेफिनेटली ट्रू भी पूछा होता है, तो आपको फिर उसके अकॉर्डिंग अपने क्वेश्चन का आंसर करना होगा, फिर डेफिनेटली ट्रू वहां पर जो कंडीशन बन रही होगी उसका आपको आंसर बताना होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं गाइज। जितने लोगों ने भी ई आंसर किया है सभी लोगों का यहाँ पर करेक्ट होगा। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या कहती है, कुछ किंग क्या है आपके, क्वीन है। कुछ किंग क्या है आपके, यहाँ पर क्वीन है। ओके, तो यहाँ पर कुछ पार्ट मैंने बना दिया। उसके बाद आपसे क्या बोला गया है, कुछ एम्परर क्या है आपके, किंग है। ओनली अ फ्यू वर्ड यूज हो रहा है, इसका मतलब है कि कुछ एम्परर तो होंगे ही होंगे, बट कुछ आपके एम्परर यहाँ पर नहीं होंगे। इस पॉइंट का भी आपको ध्यान रखना है, तो कुछ एम्परर का पार्ट कभी भी आपका किंग में नहीं जाना है, इस पॉइंट को आप ध्यान में रखेंगे। क्वीन और प्रिंस के बीच में, प्रिंसेस के बीच में कैसा रिलेशन है, नो का रिलेशन है। तो जहाँ प्रिंसेस आप बनाएंगे उनके बीच में कैसा रिलेशन आएगा आपका, नो का रिलेशन आएगा। तो ये कंडीशन आपकी वेन डायग्राम की बन गई है। अब पहले कंक्लूजन की अगर मैं बात करूं, तो पहला कंक्लूजन आपको देखिए क्या कह रहा है, कुछ क्वीन एम्परर हैं। तो देखो क्वीन और एम्परर के बीच में डायरेक्ट रिलेशन नहीं दिखा रहा सम का, ठीक है। तो इसे डेफिनेटली फॉल्स तो नहीं बोलेंगे, ना डेफिनेटली ट्रू बोलेंगे, इसे क्या बोलेंगे, सी एन डी। क्या कहते हैं, सी एन डी। देखो ना तो इनके बीच में कोई नो का रिलेशन है, ठीक है, ना ही इनके बीच में कोई भी आपका नो का रिलेशन कनेक्ट हो रहा है, और ना ही इनके बीच में कोई डायरेक्ट रिलेशन है, इसलिए यहाँ पर सी एन डी का यूज हमने किया है। ठीक है, सारे प्रिंस किंग है, क्या सारे प्रिंस आपके किंग हैं? तो यहाँ पर अगर आप देखें प्रिंसेस और किंग के बीच में कोई भी सम का डायरेक्ट रिलेशन नहीं दे रखा है आपको, कोई भी सम का डायरेक्ट रिलेशन नहीं दे रखा है, तो आप क्या करेंगे, प्रिंस का सारा पार्ट अगर मैं बात करूँ वो सारा किंग में भी जा सकता है, नहीं भी जा सकता है। मैं क्या यूज बोल रही हूँ, सकता है, हर जगह में मैं सकता है वर्ड यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि प्रिंस और किंग के बीच में कोई भी डायरेक्ट रिलेशन आपको नहीं दे रखा है। तो यहाँ पर भी कंडीशन क्या बनेगी आपकी, सी एंड डी आप डिटरमाइन नहीं कर सकते। आगे बोलो, आगे बोला गया है सारे एम्परर क्वीन हो सकते हैं, तो सारे एम्परर आपके क्वीन हो सकते हैं। तो यहाँ पर आपको अगर मैं बात करूँ तो कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं दे रखा है, और क्वेश्चन में क्या पूछी गई है आपकी, पॉसिबिलिटी आपके क्वेश्चन में पूछी गई है। अगर मैं इस एम्परर को यहाँ ना बनाकर यहाँ बनाती, क्योंकि हमें तो क्वीन को मैंने यहाँ पर इसे अंदर क्यों नहीं बनाया, इसका रीज़न ये है क्योंकि कुछ भी हमें नहीं पता कि सारा आपका एम्परर क्वीन है या नहीं है, ये तो हम पॉसिबिलिटी पार्ट बना रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर मैं एम्परर को इस तरीके से ये बनाती, तो यहाँ पर कुछ पार्ट तो देखो आ रहा है और कुछ पार्ट आपका डेफिनेटली नहीं हो रहा है, ठीक है। कुछ पार्ट आपका यहाँ पर इस तरीके से आप बनाते तो आपका क्या हो जाता, ये डेफिनेटली ट्रू, तब भी कंडीशन आपकी ये वाली जो कंडीशन है, इस वाली कंडीशन पे कोई भी इफेक्ट ना पड़ता। तो कहीं ना कहीं आपका सारा एम्परर क्वीन हो सकता है, ठीक है, जब हम आपके पूरे पार्ट को लेके जा रहे हैं तो वो कंडीशन वहाँ पे सक्सेसफुल हो रही है, इसलिए ये क्या हो जाएगा आपका, डेफिनेटली ट्रू हो जाएगा। आगे क्या बोला गया है, सारे किंग आपके प्रिंस हो सकता है, क्या सारे किंग आपके प्रिंसेस हो सकती है, ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। अब ध्यान से देखो, क्वीन और प्रिंसेस के बीच में कैसा रिलेशन है, नो का रिलेशन। कभी भी क्वीन और प्रिंसेस मिल नहीं सकते हैं, कभी भी क्वीन और प्रिंसेस आपके मिल नहीं सकते हैं साथ में, ठीक है, ये हमेशा दूर दूर बनेंगे आपके। अब यहाँ पर बोला गया है क्या सारा किंग आपका प्रिंसेस हो सकता है, देखो सारा किंग आपका कभी भी प्रिंसेस नहीं हो सकता, इनके बीच में डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, इनके बीच में सपोज करो यहाँ पर डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, मैं मान रही हूँ, बट कहीं ना कहीं अगर आप देखो ये वाला जो पार्ट है ये कभी भी किंग का प्रिंसेस में नहीं जाएगा, ये कभी भी प्रिंसेस में क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि इस ये कॉमन पार्ट है किसका, ये क्वीन का भी कॉमन पार्ट है और ये किंग का भी कॉमन पार्ट है, ये क्वीन और किंग का कॉमन पार्ट है, और अगर ये कॉमन पार्ट है भाई तो यहाँ पर ये वाला पार्ट आपका कभी भी प्रिंसेस में नहीं होना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर आप बात करें आपके क्वेश्चन में, ये वाला पार्ट आपका क्वीन का और प्रिंसेस का कैसा रिलेशन है, बीच में नो का रिलेशन है, तो यहाँ पर कंडीशन क्या हो जाएगी आपकी, डेफिनेटली फॉल्स हो जाएगी 100%। ये कंडीशन कभी भी पॉसिबिलिटी
पॉसिबिलिटी आपकी सही नहीं होगी, ये वाली पॉसिबिलिटी कभी भी आपकी सही नहीं होगी। और आपको क्या बताना है, यहाँ पर डेफिनेटली फॉल्स ही बताना है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। अगर यहाँ पर बात करें ऑल किंग आर क्वीन, तो यहाँ पर आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं, कुछ पार्टी दिखाई दे रहा है, तो इसे क्या बोलेंगे आप, सी एन डी, डिटरमाइन नहीं कर सकते। ठीक है, इसको मैंने इसलिए बोला है किंग और क्वीन प्रिंसेस को, क्योंकि इनके बीच में मैं मान रही हूँ डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, बट आपको एक और रिलेशन दिया हुआ है क्वीन और प्रिंसेस के बीच में नो का, और जिसमें कि किंग और क्वीन क्या हो रहे हैं आपके कॉमन पार्ट में आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये वाला पार्ट आपका जो कि क्वीन का किंग है, ये कभी भी प्रिंसेस में नहीं जाएगा, इसलिए हमने इसे क्या बोला, डेफिनेटली फॉल्स। सारा किंग कभी भी प्रिंसेस आपका नहीं हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी विल बी दी राइट आंसर। जितने लोगों ने डी आंसर किया है, सभी लोगों का यहाँ पर आपका आंसर करेक्ट होगा। ठीक है, इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं गाइज। अगला क्वेश्चन आपका और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका सेम क्वेश्चन है, मेन्स का क्वेश्चन है। तो अब आपसे क्या बोला गया है, कुछ कंट्रीज आपकी कॉन्टिनेंट है, कुछ कंट्रीज क्या है आपकी कॉन्टिनेंट है। तो यहाँ पर कंट्रीज और कॉन्टिनेंट के बीच में क्या है, नॉट का रिलेशन है, कुछ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ नहीं है, तो आप किस तरीके से बनाएंगे, अलग अलग बनाएंगे अपनी कंट्रीज और कॉन्टिनेंट्स को। ये आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, कंट्रीज हो जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, कॉन्टिनेंट्स आ जाएगा। ठीक है, जिसमें कि आपको ध्यान रखना है कि कुछ पार्ट आपका कंट्रीज का कभी भी कॉन्टिनेंट में नहीं जाना है। इसके बाद आपसे क्या बोला गया है, ओनली विलेजेस आर कॉन्टिनेंट्स। ओनली विलेजेस आर कॉन्टिनेंट का मतलब यहाँ पर क्या है कि आपकी जितनी भी ओनली वर्ड किसमें कन्वर्ट हो जाता है आपका, ऑल में, और आपके जो एलिमेंट्स हो जाते हैं वो क्या हो जाते हैं, इंटरचेंज। जो न्यू स्टेटमेंट आपकी बनेगी वो किस तरीके से बनेगी, ऑल कॉन्टिनेंट्स, सारे कॉन्टिनेंट क्या होंगे आपके यहाँ पर, विलेजेस होंगे। सारे कॉन्टिनेंट क्या होंगे यहाँ पर, आपके विलेजेस होंगे। अब भाई ध्यान से देखो, आपके अगर हम यहाँ पर बात करें, सारे कॉन्टिनेंट अगर विलेजेस हो रहे हैं, तो ये सारा कॉन्टिनेंट का पार्ट क्या हो जाएगा आपका, विलेज हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ पार्ट कंट्रीज का कॉन्टिनेंट होगा, नहीं होगा, ये पॉइंट भी मुझे ध्यान में रखना है। इसके बाद कुछ कंट्रीज आपकी क्या है, टाउन्स हैं, और ओनली अ फ्यू वर्ड यूज हो रहा है, तो मतलब कुछ कंट्रीज आपकी टाउन नहीं होंगी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें आपके क्वेश्चन में, ये टाउन है, सॉरी, यहाँ पर आप टाउन बनाएंगे, और अगर ये टाउन है तो यहाँ पर कुछ पार्ट कंट्रीज का आपका टाउन नहीं होगा, इस पॉइंट को मुझे ध्यान में रखना है अपने क्वेश्चन में। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें, यहाँ पर आपसे क्या बोला गया, सारा कंट्रीज आपका विलेजेस हो सकता है, सारा कंट्रीज क्या आपका विलेजेस हो सकता है। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें अपने क्वेश्चन में, कंट्रीज यहाँ पर है, विलेजेस यहाँ पर है, तो इनके बीच में तो कोई भी कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, इनके बीच में से कोई भी डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। अगर मान लो मैं इस तरीके से विलेज को बनाती, इस तरीके से विलेज को बनाती, तो देखो सारा कॉन्टिनेंट आपका किस में आ रहा है, विलेज में आ रहा है, और आपकी कंट्रीज के साथ तो कोई डायरेक्ट रिलेशन यहाँ पर विलेजर कंट्रीज का है ही नहीं। तो अगर मैं विलेज को बाहर की तरफ आपका एक्सटेंड कर देती, तो कहीं ना कहीं इसकी पॉसिबिलिटी क्या हो जाती, आपकी डेफिनेटली ट्रू हो जाती। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, डेफिनेटली ट्रू हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इनके बीच में डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, कंट्रीज और विलेज के बीच में कोई भी ऑल का। तो अगर मैं उस तरह से बना के देखती, तो वहाँ पर आपके स्टेटमेंट पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, ये तीनों स्टेटमेंट तब भी आपकी करेक्ट होती अगर मैं सारे विलेज को का सारे कंट्रीज को कहाँ रख देती, आपके विलेज के अंदर रख देती। इसलिए आपकी कंडीशन क्या हुई है, डेफिनेटली ट्रू हुई है। आगे कुछ टाउन्स आपके विलेजेस हैं, कुछ टाउन आपके विलेज है, देखो डायरेक्ट रिलेशन तो आपको नहीं दे रखा है सम का। तो यहाँ पर अगर डायरेक्ट रिलेशन नहीं दे रखा, तो डेफिनेटली फॉल्स तो बोलोगे नहीं आप, यहाँ पर क्या बोलेंगे आप, सी एन डी, डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें, सारा कॉन्टिनेंट आपका टाउन्स है, तो सारा कॉन्टिनेंट आपका कभी भी टाउन नहीं हो सकता, क्योंकि अगर हम यहाँ पर बात करें, कॉन्टिनेंट का रिलेशन सिर्फ किसके साथ होगा, विलेज के साथ होगा। कॉन्टिनेंट का रिलेशन किसके साथ होगा, सिर्फ विलेज के साथ हो गया, क्योंकि कॉन्टिनेंट जो है वो आपकी ओनली से मिलके बना है। तो अगर हम यहाँ पर हिंदी में बात करें, तो इसका मतलब होता है केवल विलेजेस आपके कॉन्टिनेंट है। तो यहाँ पर जितना भी कॉन्टिनेंट का पार्ट होगा वो क्या होगा आपका, विलेजेस होगा। कॉन्टिनेंट का पार्ट और किसी के साथ कनेक्ट नहीं होगा, कॉन्टिनेंट का पार्ट विलेज के अलावा किसी और के साथ कनेक्ट नहीं होगा। तो यहाँ पर आपसे कॉन्टिनेंट और टाउन की पॉसिबिलिटी, कंडीशन, पॉसिबिलिटी नहीं, कंडीशन आपसे पूछी गई है, तो ये क्या हो जाएगी आपकी, डेफिनेटली फॉल्स हो जाएगी। कभी भी सारा कॉन्टिनेंट आपका टाउन नहीं हो सकता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो कॉन्टेनर और टाउन के बीच में रिलेशन होगा वो केवल नो का रिलेशन होगा, इनके बीच में कभी भी कोई भी रिलेशन सम और ऑल का नहीं बनेगा। ठीक है, तो इसलिए आपका आंसर क्या हो गया, डेफिनेटली फॉल्स, और यहाँ पर आपको डेफिनेटली फॉल्स ही बताना है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी को क्या कर देंगे आप, करेक्ट कर देंगे। अब इन्हें भी नीचे की तरफ डिस्कस कर लेते हैं एक बार। देखिए
सारा कंट्रीज क्या कहते हैं, टाउन आपका नहीं होगा, सारा कंट्रीज आपका यहाँ पर टाउन नहीं होगा, ऐसा बोला गया है। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पर बात करें आपके क्वेश्चन में, कुछ कंट्रीज आपका आपको पता है टाउन है, कुछ कंट्रीज आप सभी को पता है यहाँ पर टाउन है, और यहाँ पर सारे कंट्रीज की बात हुई है कि सारा कंट्रीज आपका यहाँ पर टाउन नहीं होगा, तो कभी भी सारा कंट्रीज आपका टाउन में नहीं जाएगा, क्योंकि कुछ पार्ट आपका डेफिनेटली यहाँ पर नहीं होगा कंट्रीज का टाउन। ठीक है, ये कंडीशन क्या हो जाएगी आपकी, डेफिनेटली ट्रू हो जाएगी। इसके बाद अगर हम बात करें कुछ विलेजेस आपके कॉन्टिनेंट हैं, तो विलेजेस की अगर हम बात करें आपके क्वेश्चन में कुछ नहीं है बोला गया है, कुछ नहीं है ऐसा बोला गया है, तो यहाँ पर कुछ पार्ट तो आपको दिखाई दे रहा है, बट कुछ पार्ट है या फिर नहीं, उसे डेफिनेटली ट्रू नहीं बोलेंगे, ना ही फॉल्स बोलेंगे, उसे क्या बोलेंगे, कैन नॉट बी डिटरमाइन, हम डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, नीचे की कंडीशन आपकी एक डेफिनेटली ट्रू आ रही है, एक सी एंड डी आ रही है। अब आई होप सभी लोगों का वो क्वेश्चन क्लियर हो, सभी को क्लियर हो गया होगा, और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपका इनइक्वालिटी का है, तो इनइक्वालिटी में तीन चीज़ों का ध्यान रखना है, ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन के साथ साथ आपको ध्यान रखना है डायरेक्शन का, और डायरेक्शन के साथ साथ आपको प्रायोरिटी का ध्यान रखना है। यहाँ पर अगर हम बात करें आपके क्वेश्चन में, W और S के बीच में सिंपल सी बात है, कैसा रिलेशन आ रहा है, ओपोजिट सिंबल है, और अगर ओपोजिट सिंबल आपके क्वेश्चन में आ जाते हैं तो हमेशा क्या रिलेशन होगा उनके बीच में, नो रिलेशन, हम उनके बीच में रिलेशन ही नहीं बता सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो W और S के बीच में क्या रिलेशन आ गया, नो रिलेशन आ गया। ये कब बनता है, जब आपकी ब्लॉक वाली कंडीशन होती है, ब्लॉक वाली कंडीशन का मतलब है सिंबल कैसे होंगे आपके, ऑपोजिट होंगे। अब यहाँ पर अगर हम बात करें, आपको जाना है कि यहाँ से अगर हम बात करें U से X, हमारी जो डायरेक्शन है वो U टू X है, तो U से X की तरफ हमें जाना है, आपके ऑब्जर्वेशन में सिंबल्स आपके बिल्कुल करेक्ट हैं, तो यहाँ पर जब U से X की तरफ जाओगे तो ये सेकंड प्रायोरिटी, ये थर्ड प्रायोरिटी, और यहाँ पर सेकंड प्रायोरिटी दे रखी है। देखो अगर आपके सबसे बड़ी प्रायोरिटी सेकंड है यहाँ पर, और यहाँ पर भी सबसे बड़ी प्रायोरिटी सेकंड है, तो कंडीशन क्या हो जाएगी आपकी, डेफिनेटली ट्रू हो जाएगी। कंडीशन क्या बनेगी यहाँ पर आपकी, डेफिनेटली ट्रू बनेगी, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ओनली सेकेंड इज ट्रू। ठीक है, तो जितने लोगों ने ओनली सेकेंड आंसर किया है, सभी लोगों का यहाँ पर करेक्ट होगा आंसर। ठीक है, इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगला क्वेश्चन भी आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, तो इस क्वेश्चन को अगर आप यहाँ पर देखें, ध्यान से देखिएगा, देखिएगा जैसे कि अगर हम बात करें डी आपका क्या है, ग्रेटर है, डी क्या है, ग्रेटर है ई से, और हमारे क्वेश्चन में ई क्या है, ग्रेटर है, डी लेस है, यहाँ पर डी लेस है, यहाँ पर ग्रेटर है, ऑब्जर्वेशन से ही कंक्लूजन क्या हो रहा है आपका, रॉन्ग हो रहा है, हमें बताना ग्रेटर है और हमें दे रखा है लेस, तो कभी भी डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे हम। ठीक है, वो डेफिनेटली फॉल्स होगा। अब अगर हम बात करें बी और आर के बीच में, बी और आर के बीच में अगर आप देखें तो कैसे सिंबल है आपके, ओपोजिट सिंबल, और अगर ओपोजिट सिंबल होते हैं तो क्या रिलेशन होगा इनके बीच में, नो रिलेशन होगा, क्या रिलेशन होगा, नो रिलेशन, तो सिंपल सी बात है ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें टाइम की, तो टाइम देखिए कितना लगेगा आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ज्यादा से ज्यादा अगर हम यहाँ पर बात करें 30 सेकंड लगेंगे, 30 सेकंड में आप इस क्वेश्चन को इजिली सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि ऑब्जर्वेशन से 10 सेकंड में, 5 सेकंड में देखते कट रहा है पहला ऑप्शन तो, और दूसरा भी अगर आप ध्यान से देखो तो उनके बीच में क्या हो रहा है आपका, यहाँ पर कंडीशन कैसी है, यहाँ पर आपकी नो रिलेशन वाली कंडीशन है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो ये क्वेश्चन आपका क्या कहता है, देखिए यहाँ पर क्यू क्या है आपका, ग्रेटर है एच से, क्यू ग्रेटर है एच से, और एच और जेड के बीच में कैसा रिलेशन है, इक्वल का रिलेशन है, एच और जेड के बीच में कैसा रिलेशन है, इक्वल का रिलेशन है। अब अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पर, अगर सपोज करो मैंने एच रख दिया, इस तरीके से आपकी कंडीशन बना दी, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों क्या है आपकी, इक्वल है। ठीक है, अब एच से क्यू की तरफ जाना है, एच से क्यू की तरफ सेकंड प्रायोरिटी सिंबल आ रहा है, फर्स्ट प्रायोरिटी सिंबल, यहाँ पर आपको पहली प्रायोरिटी दे रखी है, अगर यहाँ पर पहली प्रायोरिटी दे रखी है और इनके बीच में कहीं भी एक ये वाला प्रायोरिटी सिंबल आ रहा है, कहीं पर भी एक बार भी प्रायोरिटी सिंबल ये आ रहा है, तो आपका आंसर क्या होगा, करेक्ट होगा, क्योंकि डायरेक्शन तो आपकी सेम है, और अगर आपके इसमें ये वाला फर्स्ट प्रायोरिटी सिंबल आ रहा है तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो देखो आ रहा है यहाँ पर क्यू और ए के बीच में एक बार, तो आपका आंसर करेक्ट। ठीक है, उसके बाद जेड और सी के बीच में रिलेशन देखना है, तो यहाँ पर जेड से सी की तरफ जाना है, जब जेड से सी की तरफ जा रहे हो तो देखो सेकंड प्रायोरिटी, यहाँ भी सेकंड प्रायोरिटी और यहाँ पर भी सेकंड प्रायोरिटी, सारी प्रायोरिटी सेम है, आंसर क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर बोथ वन एंड ट्रू आर करेक्ट, फर्स्ट और सेकंड यहाँ पर क्या होंगे आपके, करेक्ट होंगे, जितने लोगों ने भी फर्स्ट और सेकंड आंसर किया है सभी लोगों का यहाँ पर करेक्ट होगा।
ठीक है गाइस, तो इस तरीके से आपको अपनी ऑब्जर्वेशन से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चंस आपके इसी तरीके से आने एग्जाम में, जैसे से अगर हम यहाँ पर बात करें, आपके प्रीवियस ईयर में दो दो कंडीशन भी आई हैं, ठीक है। स्टेटमेंट में दो स्टेटमेंट भी आपके पेपर में आई हैं, तो इस तरह के अगर हम डायरेक्ट भी कंडीशन आई है और आपकी दो स्टेटमेंट वाली कंडीशन भी आई है, तो सिर्फ वहां पर भी आपको देखना होगा अपने डायरेक्शंस को ध्यान से, आपका क्वेश्चन इजीली विद इन सेकेंड्स में हो जाएगा इनइक्वालिटी का, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिएगा। अब अगले क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखना, ध्यान से अगर आप देख रहे हैं, तो वाई और डी के बीच में कैसा रिलेशन है, इक्वल थर्ड प्रायोरिटी है। कैसी प्रायोरिटी है, थर्ड प्रायोरिटी। और वाई और डी के बीच में कैसा रिलेशन हो रहा है, अपोजिट सिंबल हो रहा है, अपोजिट सिंबल। तो इनके बीच में रिलेशन कैसा बनेगा आपका, नो रिलेशन। इनके बीच में कैसा रिलेशन होगा आपका, नो रिलेशन। यहाँ पर आप रिलेशन को डिटरमाइन ही नहीं कर सकते हैं बिकॉज ऑफ अपोजिट सिंबल, ठीक है। इसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करें सेकंड कंडीशन की, तो आई और वाई क्या है आपके, इक्वल है। आई और वाई क्या है आपके, यहाँ पर इक्वल हमें बताने हैं। तो वाई यहाँ पर है और आई आपका यहाँ पर है, ठीक है। अब अगर हम बात करें गाइस, आई से वाई की तरफ देखो, आई से वाई की तरफ देखो, तो आपका यहाँ पर थर्ड प्रायोरिटी सिंबल है। यहाँ पर क्या है आपका, थर्ड प्रायोरिटी सिंबल। और यहाँ पर आपका क्या कहते हैं, थर्ड प्रायोरिटी सिंबल से सेकंड प्रायोरिटी आ रहा है। तो आप सेकंड के होते हुए कभी भी थर्ड को प्रायोरिटी नहीं दे सकते, इसलिए कंक्लूजन क्या हो जाएगा आपका, रॉन्ग हो जाएगा। सेम अगर हम बात करें, यहाँ पर आपका क्या प्रायोरिटी है, फर्स्ट प्रायोरिटी। और अगर आपके क्वेश्चन में फर्स्ट प्रायोरिटी है, तो उसके बीच में भी फर्स्ट प्रायोरिटी होना जरूरी है। तो आई और वाई के बीच में फर्स्ट प्रायोरिटी कहीं पर भी एक बार भी नहीं आ रहा है, तो ये भी कंक्लूजन क्या हो जाएगा आपका, रॉन्ग हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, सेकेंड और थर्ड को ध्यान से आप अगर देख रहे हो, तो यहाँ पर नेम्स कैसे हैं आपके, सेम नेम्स कैसे हैं आपके, सेम है। अगर मैं इन दोनों को साथ में जोड़ देती हूँ, साथ में इन दोनों को जोड़ देती हूँ, तो आपकी क्या कंडीशन बनेगी, वाई ग्रेटर देन इक्वल टू आई, ये कंडीशन बनेगी। एक बार तो वाई ग्रेटर है, एक बार इक्वल है, ये कंडीशन आपकी यहाँ पर बन गई है। अब इस कंडीशन को अपने स्टेटमेंट से कंपेयर करो, आई से वाई की तरफ जाते तो यहाँ पर सेकेंड प्रायोरिटी सिंबल आ रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट प्रायोरिटी आपको यहाँ पर नहीं दे रखा है और यहाँ पर एक थर्ड प्रायोरिटी भी है। तो अगर यहाँ पे सेकंड प्रायोरिटी है और यहाँ पे आपकी सबसे वाली बड़ी प्रायोरिटी है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, डेफिनेटली ट्रू। ये वाली कंडीशन आपकी क्या हो जाएगी, डेफिनेटली ट्रू होगी, ठीक है। क्योंकि अगर आप यहाँ से देखें, यहाँ पर आपका सारा वाई वाई और आई के बीच में रिलेशन क्या है, सेकंड प्रायोरिटी, और इनके बीच में सेकंड प्रायोरिटी आ रही है आपकी, फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं है, तो इसलिए आपका आंसर डेफिनेटली ट्रू हो जाएगा। अब हम ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट करेंगे, यहाँ पर आपका ईदर सेकेंड और थर्ड। देखो, अगर कभी भी नेम्स आपके सेम होते हैं और दोनों कंडीशंस में आपके नेम सेम है, और उन दोनों को जोड़ के जो कंडीशन आपकी बन रही है, अगर वो आपके स्टेटमेंट में करेक्ट होती है, तो वहां पर आपका आंसर क्या बनेगा, ईदर और बनेगा। ये आपका एक रूल है, किसका, इनइक्वालिटी की, ईदर और की कंडीशन का। ये आपका यहाँ पर फर्स्ट रूल है जो आपको याद रखना पड़ेगा हमेशा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ई जितने लोगों ने भी किया है, सभी लोगों का यहाँ पर ऑप्शन नंबर ई करेक्ट है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन अगर हम यहाँ पर बात करें, आपसे बोला गया है, विच ऑफ दी फॉलोइंग वुड रिप्लेस एट द रेट एंड एम परसेंट इन दी फॉलोइंग एक्सप्रेशन, सो दैट आपका ओ क्या होना चाहिए, यहाँ पर ग्रेटर होना चाहिए एन से। ओ क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए एन से। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन में क्या करना है, एट द रेट ये जो सिंबल दे रखे हैं, इन दोनों सिंबल्स पे यहाँ पर आपके, यहाँ पर ये सिंबल जो गिवन है, इनसे इनसे रिप्लेस करना है। इन सभी से आपको रिप्लेस करके आपको बताना है पोजीशन एन और ओ, ओ क्या होना चाहिए आपका, एन से ग्रेटर होना चाहिए। ओ क्या होना चाहिए, एन से ग्रेटर होना चाहिए। तो इन दोनों पे आपको क्या रखना है, इन सिंबल्स को एक एक बार रखना है और अपनी कंडीशंस को चेक करना है, ठीक है। ये आप सभी लोग के लिए होमवर्क क्वेश्चन है, इसका आंसर आप नीचे कमेंट बॉक्स में सभी लोग दे दीजिएगा, ठीक है। और आज का सेशन की अगर हम यहाँ पर बात करें, आज का सेशन हम यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट क्वेरी होगी, तो आप मुझसे डायरेक्टली भी पूछ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करें, अगली क्लास में अगर आपके जो भी डाउट्स होंगी इस क्लास से रिलेटेड, वो हम आपके अगली क्लास में भी डिस्कस कर सकते हैं लास्ट में, ठीक है। आज का सेशन गाइस हम यहीं पर एंड करते हैं, और सभी लोगों को थैंक यू, जितने भी लोग यहाँ पर कनेक्ट हैं, जितने लोगों ने भी यहाँ पर लाइक किया है, सभी लोग यहाँ पर जितने, अगर आपको सेशन आज का अच्छा लगा है, तो सभी लोग सेशन को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और जो नए स्टूडेंट हैं वो भी सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ठीक है। थैंक यू एवरी वन, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ, स्टे होम, थैंक यू ऑल।